सो गाइस, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था तो इसमें मैंने इंट्रो का वीडियो बनाया ही नहीं। अभी इंट्रो का वीडियो बना लेते हैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी अभी ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिया नहीं। हेलो गिरी गुड़िया भैया, अभी उठी है सो के? तो अभी भी मैं देख रहा हूँ इसको। हाँ गुड़िया यहाँ पर खेल रही है, अपना मस्त वाला खेल रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा शरारत करती है, अभी उठी है ना जस्ट, तो थोड़ा शांत है, अदरवाइज इसकी शरारत बहुत ही ज़्यादा है। तो भी अभी मैं जा रहा हूँ नीचे खेत में, तो हमने पराली रखी है धान की, तो उसको भी पूरे स्टोर है थोड़ा सा दूर यहाँ से, वहीं पर रखना स्टोर में, क्योंकि बाहर भाई ज़्यादा देर तक रहे तो सड़ भी जाता है, क्योंकि काफ़ी पराली हमारे पास पड़ी हुई है। तो वही अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ से उठा के ले जाना पड़ेगा वहाँ स्टोर तक। तो वही तभी मैं नीचे जा रहा हूँ खेत में, तो भाई चलते हैं। अभी भाई बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है अभी, क्योंकि घास वगैरह आजकल काटते हैं, घास कटाई हो रही है, खेत भी खाली हो गए लगभग, तो खुला खुला सा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम चला गया अभी। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो भाई अभी मैं घास ही ढो रहा हूँ, दो तीन जो बोझे होते हैं, ठीक है, मैं दो बार में ले जा चुका हूँ और तीसरी बार लास्ट टाइम है। तो अभी अभी काम पड़ा, भी काफ़ी ज़्यादा काम है आजकल, लिटरली मतलब काम ही रहता है। अब घास कटाई का काम चलेगा, साथ साथ में ज़मीन का काम भी चलेगा, भाई इसके बाद कनक की बुआई होती है और साथ में जो भी सब्जी सब्जियाँ लगाते हैं आजकल, ठीक है, और भाई और प्याज की क्यारियाँ तैयार की जाती है, प्याज भी लगाना पड़ता है बाद में, जो भी छोटे मोटा हम सब्जियां लगाते हो उसके लिए भी यहाँ अभी तैयारी कर देते हैं। और काम तो इस तरह चलता रहेगा, भी अभी लगभग मुझे लग रहा कि 1.5-2 महीना काम ही रहेगा लगातार, बीच में ब्रेक वगैरह भी होता है, ऐसा नहीं है। तो भी अभी मैं यहीं जैसे काम कर रहा हूँ यहाँ जैसे, तो देखिए ये पड़ा है पराली पड़ी हुई भाई धान की, ये देखिए यहाँ पर मैं इनको ले जा रहा हूँ, अभी इतनी बची है, देखते हैं सारी आ जाती है, नहीं आती तो यहाँ पेड़ में टंगा दूँगा मैं। तो चलिए भरते हैं भाई, नहीं तो टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा भाई। तो अभी सारा का सारा मैंने जो पराली है वो यहाँ रख दिया है, और ताला लगा दिया मैंने यहाँ पर, देखिए अभी भी कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है और रस्सी भी यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने रख लिया। अभी देखो टाइम कितना हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6:30 बज रहे हैं और मैं आया था 4 बजे के बाद, तो अभी इतना टाइम लग गया मुझे। अभी जा रहा हूँ भाई घर, उस सामान को समेट लेता हूँ, रस्सी वगैरह को, फिर चलते हैं भाई घर। सो भी अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, देखिए ये घर है मेरा, जो साइड दिख रही है ना आगे की तरफ लाइट, ये है किचन, और भाई ये घर मेरे सामने, यहाँ लाइट दिख रही है। तो भाई अभी मैं यहीं पर हूँ, नज़दीक ही पहुँच गया हूँ। ये नाइट व्यू है मेरे घर का, कुछ इस तरह से दिखता है, और भाई ऊपर की तरफ देखिए कितनी सारी लाइटें दिख रही है। ये देखिए भाई ऊपर गांव पड़ते हैं सारे के सारे, ये चलिए घर की तरफ। अभी पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया, अभी घर सामान समूह रख लेते हैं यहीं पर, थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। यहाँ धान रखे हैं सुखाने के लिए, यहाँ भी रखे हैं, क्योंकि आजकल भी मौसम ठीक रहता है, रात को भी और दिन को धूप रहती है,
तो अभी यहीं पर सुखाने के लिए और लेंटर के ऊपर रखे हैं सुखाने के लिए। तो भैया अभी मैं आ गया रूम में, तो भैया अभी सारे के सारे चले गए हैं बच्चे। तो अभी जा रहा हूँ मैं किचन में और देखते हैं भाई सारे के सारे वहीं पर बैठे होंगे अभी। अभी देखिए मैं तो खेत में गया था। देखो आ चुकी है आज भी प्राचीता। आप दीदी ने आरबी को मार दिया। क्यों गुड़िया को मारती है क्या आरबी को? आरबी को क्यों मारती है आप आरबी को? नहीं थोड़ा भी झूठ बोलती है। ये देखो गुड़िया है यहाँ पर अभी, सभी मुझे मार रहे हैं देखो। गंद मचा रही है देखो, पीने के लिए यहाँ गंद मचा रही है नीचे फर्श में, काजू वगैरह फेंक रही है यहाँ पर है अभी खेलने की पड़ी है अभी अभी नहीं सुन रही इसकी दीदी यहाँ पर है। सभी की सभी यहीं पर है, प्राचीता वहाँ ले नीचे बैठी है और दोनों यहाँ पर हैं भी। सभी सभी यहाँ पर है क्योंकि घर में अभी मैं हूँ और गुड़िया की मम्मी है और कोई नहीं है भाई, ये सारे बच्चे हैं। तो भाई ये सभी इकट्ठा खेल रहे हैं अभी यहाँ पर। देखो प्राचीता क्या कर रही नीचे भाई, फर्श में क्या कर रही है बता नीचे। गिरी गुड़ी ने अपना मुंह खराब कर लिया। मतलब क्या खाया इसने? आटा खाया है। अच्छा ये आटे से खेल रही होगी गुड़िया, तभी इसने खराब कर दिया अपना फेस। तो भी चलते हैं खाना खाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी किचन में खाना खाने के लिए। बाकी सभी लोगों ने खा लिया खाना, सिर्फ मैं ही बचा हूँ क्योंकि भाई ऐसा हो गया कि रूटीन ऐसी बन गई कि मतलब तो ब्रेकफास्ट लेट, लंच लेट और तो डिनर भी लेट ही कर रहा हूँ क्योंकि भूख भाई इस टाइम ही लगती है, जब भूख लगती तभी मैं खाता हूँ। तो चलिए भाई खा लेते खाना खुना। तो जो भी बना रोटी सब्जी बनी हुई कुछ तो जल्दी से खाते हैं। तो भी अभी खाना खाना हो गया है और आ गया मैं रूम में। तो ये बाकी सभी लोग इस टाइम सो चुके हैं, तो अभी मैं अकेला अभी इस घर में मैं जाग रहा हूँ अभी, मतलब मुझे नींद नहीं आई हुई अभी। और अभी टाइम हुआ रात के 10:30 हो चुके हैं। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।